यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस की मदद से मेरठ में खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तीरथ सिंह नाम का आतंकी, जिसके पास से भिंडरावाला के पोस्टर और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री भी मिली है। तीरथ सिंह पर मोहाली में केस दर्ज है। तीरथ सिंह सोशल मीडिया पर खालिस्तान के लिए मूवमेंट चला रहा था। यूपी एटीएस ने खालिस्तानी आतंकी तीरथ सिंह को पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। इस खबर पर मेरे साथ नीरज गौड़ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या है पूरी खबर? और जी बिल्कुल शरीन, मैं आपको बताऊं कि पुलिस को काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि एक खालिस्तान का एक आतंकी है जो कि मेरठ के थापर नगर में छुपा हुआ है, और उसके बाद से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया जिसमें यूपी एटीएस की टीम थी और इसी के साथ में पंजाब पुलिस, दोनों ने मिलकर के थापर नगर से इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। नाम इसका तीरथ सिंह बताया गया है और इसके पास से भिंडरावाला के पोस्टर मिले हैं। और ये जो शख्स है, ये सोशल मीडिया पर खालिस्तान का मूवमेंट से ये जुड़ा हुआ था, और उसके बाद से ही जैसे ही जानकारी मिली तो उसको वहां से गिरफ्तार किया गया। और इसको इसकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी और तमाम जो उसके फोन है वो सर्विलांस पे लगा रखे थे, और उसके आधार पर जैसे ही जानकारी मिली कि थापर नगर में है तो वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की तरफ से, और इसी के साथ इस पर जो आरोप है और उपा एक्ट फिलहाल इस पर अभी लगाया गया है, और लगातार जो है पूछताछ की जा रही है कि क्या मकसद था, आगे का इसका क्या प्लान था, जिसको लेकर के जो पुलिस है वो उससे पूछताछ कर रही है। जी नीरज, किस तरह से कामयाबी मिली, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके पास से प्रतिबंधित सामान भी मिला है, मूवमेंट लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये चला रहा था, लोगों को भड़काने की और शामिल करने की कोशिश लगातार इसकी तरफ से हो रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पुलिस की ये रडार पर काफी दिनों से चल रहा था, और उसके बाद में जो यूपी एटीएस की टीम है और उसी के साथ जो पंजाब पुलिस की टीम है, दोनों ने मिलकर के संयुक्त अभियान चलाया। और उसके बाद से जो थाना जो कि सदर बाजार है वहां से इस शख्स को गिरफ्तार किया है, और पुलिस को जो लीड मिल रही थी लगातार जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है वहां से इनको इनपुट मिला था, और वहीं पर जो सोशल मीडिया पर ये एक्टिव हो रहा था, खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो चला रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली और उसके बाद से इसको मेरठ से गिरफ्तार किया है। और इसके पास से भिंडरावाला के पोस्टर मिले हैं, और ये जो है रेडिकलाइज था ये शख्स जो था, और फिलहाल इससे जो पूछताछ है वो की जा रही है, और इसका क्या मकसद था, आगे इसका क्या प्लान था, ये सब अभी पूछताछ चल रही है। शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ये बातचीत करने के लिए।